मतलब घंटी हिंदी में हो गया, तो घंटाघर इसे नाम दिया गया दोस्तों। घंटी लगा हुआ आता है, मतलब टाइम होता है, देखते हैं। टाइम 15 मिनट ज़्यादा है इंडिया के टाइम से दोस्तों। तो आप जब आते हैं नेपाल विजिट करने, तो कोई आपको वीज़ा का ज़रूरी नहीं होता है, ना पासपोर्ट लगेगा। आपको हम बता दें, ये है घंटाघर, वीरगंज वाला इलाका। आप आइडेंटिटी कार्ड रखे हैं तो उसके मदद से आ सकते हैं, या विदाउट आइडेंटिटी कार्ड भी है, लेकिन चेकिंग के दौरान दोस्तों रखना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड, तो सभी जगह लाजिम ज़रूरी होता है। इस तरह का ब्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं, ये है नेपाल देश का वीरगंज वाला इलाका। हाँ बोलिए, ये कौन सा जगह है? ये घंटाघर है। ये घंटाघर हो गया, नेपाल देश हो गया। और नेपाल में आने के लिए कुछ कागज डॉक्यूमेंट्स का जरूरी पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, ना वीजा चाहिए ना पासपोर्ट चाहिए। नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये है नेपाल देश का वीरगंज वाला इलाका। हम आपको आज घुमा रहे हैं वीरगंज में, नेपाल दूसरे देश में दोस्तों। आप बने रहिए वीडियो में, देख रहे हैं पीछे दोस्तों घंटाघर, यही है घंटाघर। आपको बेहतरीन नज़ारों के साथ घंटाघर आप देख रहे हैं, ऐसे घंटाघरों का नज़ारा, यही है घंटाघर के नाम से प्रसिद्ध है ये दोस्तों, इस वीरगंज में, नेपाल में। ये है नेपाल का एरिया, सिटी वीरगंज, इंडिया नेपाल का बॉर्डर। आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं मेरे साथ अभी वीरगंज का एरिया, नेपाल का एरिया। कपड़े की दुकान भी देख रहे हैं आप, सेम ऐसे। घंटाघर के बगल का यह दुकान आप देख रहे हैं। घंटाघर, घंटा होता है, मतलब घंटी हिंदी में हो गया, तो घंटाघर इसे नाम दिया गया दोस्तों। घंटी लगा हुआ आता है, मतलब टाइम होता है, देखते हैं। और 11:19 का करेक्ट टाइम दोस्तों शो होता है इस पर। रिक्शा देख सकते हैं, साइकिल देख सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे, जैसे बाइक भी देख रहे हैं आप। नेपाल का यह जो देश है, सेम इंडिया के तरह है दोस्तों, बट आदमी थोड़ा पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं वो चेंज मिलेंगे, और थोड़ा सा अंतर मिलेंगे, डिफरेंस मिलेगा। सेम पानी पूरी मिल जाएंगे, देखिए इसका नाम हिंदी में जैसे फुचका वगैरह बोलते हैं ना, पानी पूरी, खाने पीने को भी मिल जाएगा आपको। देखिए ये नेपाल के मार्केट देख रहे हैं, बाज़ार देख रहे हैं, मोबाइल की दुकान है, घड़ी की दुकान है, और बहुत सारे यहाँ पे है। सेम दोस्तों जो इंडिया है, जो भारत, उसी की तरह है, आप देख रहे हैं मेरे साथ अभी वीडियो में दोस्तों। और सामने देख रहे हैं घंटाघर। वीरगंज का इलाका हो रहा है कैसा, बन रहा है कैसा, बन रहे इस वीडियो में आपको हम दिखाने ले जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं नेपाल में जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल है, बाइक है, दुकानें भी देख रहे हैं, मोबाइल्स की कंपनी जो भी है यहाँ पे, सेम दोस्तों इंडिया के जैसे मिल जाएंगे। आप सड़क देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, रिक्शा देख रहे हैं, देखिए यहाँ का रिक्शा किस स्टाइल का होता है, किस ढांचे में होता है, मोटर बाइक देख रहे हैं, साइकिल का नज़ारा देख रहे हैं आप, साइकिल भी ऐसे होता है, मतलब कि सेम इंडिया के जैसे होता है, आप देख रहे हैं। और कुछ हम आपको
दिखाने ले जा रहे हैं। ये छाव छाव बात प्लास्टिक हटाने सब मिली फेस्टिवलाई स्वर्ग बनाने। देखिए क्या बताइएगा घंटाघर के बारे में। अच्छा दिख रहा है, अच्छा एकदम सुंदर। तो ब्लॉग में जो लोग आपको देख रहे हैं तो क्या बताइएगा लोग के बारे में कि नेपाल में आएंगे वो लोग, जो दूसरा कोई वीडियो देख रहा है आपका चैनल के माध्यम से, तो क्या बताइएगा दूसरे लोगों के बारे में, रक्सौल वासी हो, इंडियन वासी हो, जो इंडिया के लोग इधर आते हैं, क्या बताना चाहेंगे वो लोग के बारे में? उन लोग के बारे में क्या बताइएगा? उन लोगों के बारे में हम लोग यही बताएंगे, जो भी आए और देखे घंटाघर बीरगंज के, जो घंटाघर नज़ारा है बहुत अच्छा दिखता है। यस, यहाँ का माहौल भी अच्छा है, माहौल नाला सड़क यहाँ पार्किंग का भी व्यवस्था है बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छा है ना। तो चलिए शुक्रिया, आपको शेयर कर रहे हैं नॉलेज। देखिए दोस्तों हम आपको ऐसे घुमा रहे हैं नज़ारा। ये हुआ लेबर चौक घंटाघर बीरगंज नेपाल। तो आप बता दिए कि नेपाल देश के बारे में ये घंटाघर है और यहाँ पे कैसे मतलब होता है, नेपाल देश के बारे में कुछ शेयर कीजिए कि क्या है नेपाल देश, जो इंडिया है कैसे है, यहाँ का लोग कैसे रहते हैं, इंजॉय कैसे करते हैं, घर द्वार रोड सड़क नाल नाने लाने की सब कैसे? सब तो सुविधा है ना, क्या सुविधा, सब सुविधा है ना। अब यही काम का दिक्कत है, इधर लेबर चौक में बैठे हैं। यस, मतलब ये हो गया लेबर चौक ना। तो आपका क्या शुभ नाम क्या हुआ? मेरा अखिलेश राय। नॉट अखिलेश राय जी, बताइए कि अभी हम लोग तो घंटाघर में उपस्थित हैं ना, नेपाल देश में, तो इससे घंटाघर के बारे में आप कुछ हमें बताइए। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे साथ नेपाल देश का बीरगंज का एरिया दोस्तों, और ये रहा घंटाघर, बहुत ही शानदार है घंटाघर दोस्तों। चलिए घुमाते हैं आपको घंटाघर वाला एरिया बीरगंज का। हमने देख रहे हैं घंटाघर।